अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन की तशकील पर अपोजिशन के सुप्रीम कोर्ट से रजू के फैसले पर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन की तशकील के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रजू करना सरीहन बदकिस्मती होगी। फवाद चौधरी ने कहा, अगर सियासतदान इतने नापुख्ता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक शख्स पर इत्तफाक नहीं कर सकते तो वो मुल्क के बड़े बड़े मसाइल पर क्या इत्तफाक राय पैदा करेंगे। फिरकीन अपनी पोजिशन में नरमी लाएं और फैसला करें। साबिक क्रिकेटर और वजीर आजम के मुआवन खसूसी नईम उल हक के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद भी कौमी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी पर फट पड़े। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि सारे अदारे तबाह हाल थे और इमरान खान बड़े महाज पर लड़ रहे थे। मसरूफियात की वजह से वजीर आजम क्रिकेट पर तवज्जो ना दे सके। फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान ने अब तक बराह रास्त क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दी, लिहाजा इमरान खान अब क्रिकेट को भी ठीक करके दिखाएंगे। फलपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में समंदरी तूफान कमहूरी ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद अफराद लापता होने की इत्तलात। गुज़श्ता रोज समंदरी तूफान कमहूरी फलपाइन के जनूब मशरिक में वाकया सबसे ज्यादा आबादी वाले जजीरे लजोन से टकराया, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समंदरी तूफान कमहूरी के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाक की तादाद 17 जबकि मुतअद्दिद घर तबाह, हजारों अफराद लापता और बेघर और $15 मिलियन का नुकसान हो चुका है। हरिपुर पोलियो खात्मे मुहिम के दौरान एडिशनल एसपी हरिपुर जुल्फिकार खान जदून और एसएचओ थाना सराय साले साजिद फारूक ने पोलियो टीम के हमरा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कुडन के नवाही गांव में पागल कुत्ते ने 19 साल नौजवान बिलावल को काट दिया। सेहत मरकज कुडन लाया गया, जहां मरीज को फर्स्ट एड देने के बाद इंडस अस्पताल बदीन रेफर कर दिया गया। खानपुर महर के करीब लंडा बाजार में नौजवान ट्रैक्टर के रूटावेटर की जद में आकर जान बहक, पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।